गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग बताओ। और आज चाहने लगा तो कुछ बहुत दिनों बाद स्कूल की उसको छुट्टी थी 10-15 दिन की। अभी 8 ही बजे और अभी हम लेके बनाने लगे आलू के परांठे। अभी 8:30 बजे चल जाता है, ये आ जाती है इसकी बस, बना लेती हूँ मैं, अभी लेट हो जाएगा। ये मैंने मसाला बना के रखा है और ये आटा है, अभी मैं बनाऊँगी। ये मैंने बनाई है चावल की रोटी, चावल के आटे की रोटी। इसके अंदर डाला मैंने आलू, बजे 10 और अभी हम जाने लगे हैं पापा के साथ। अम्मा जा रही है आज इड़कने। अम्मा चुप रह के चली इड़क दी, जाएगी ये कहीं जाएगी आज, सूट पहना है इसने। बड़ी सावन लगी तो मेरे लिए ले या लग गया। इमो के देख साइड हो माटी एक की और भाभी है घर में 400 रुपए के। मम्मी तू सही नटका रहे मटिया मम्मी भी 50 रुपए ले जी, 50 रुपए बहुत टोल रहे। अगर 100 रुपए लगे तो 50 बोलो से। राई से क्या बोलते बाबा ने बोला मेरे को तो लगेगी ना कुछ जल्द से जल्द, पर 50 रुपए तो पकाई तो नहीं। अभी हम आ गए वापस और मैं आपको बताती हूँ इस करिए थे डांस कर रहे डांस कर रहे। गाना बंद हो गया, आप जा सकते हैं यहाँ से। ब्याज नहीं रहती लगी नाच दी। आज क्या किया दस मैं बोलता क्या जिसके घर का तू खड़ी हो खड़ी हो नौटंकी नहीं कर खड़ी हो नहीं चल जा प्लीज चल जा बोलता मत दस। बस मत दस नहीं बस नहीं नहीं दस नहीं दस नहीं प्लीज मेरी कसम चल जा लोग लोग जब आईडी मिल ले तेरे लिए इस बार उन लोग का दे दस नहीं अपने मुंह दस तो बुरखो दस चल जा बारे प्लीज दस ए नहीं बता रही है ना मैं क्या करूं। अभी हम लगे हैं चुगोत्रा खाने। गाइस आज मैं बना रहा हूं पिज्जा। अभी कर दिया थोड़ी सी मिर्च डालनी है लेकिन मेरे को हरी मिर्च मिल नहीं रही, तो देखते हैं कहाँ मिलती है, अब ढूंढनी पड़ेगी। हो गया मेरा पिज्ज़ा तैयार, अब मैं इसको डाल दूंगा यहाँ पर फ्राई करने के लिए, फिर उसके बाद ही खाता हूँ। रख दिया मैंने फ्राई होने के लिए। आज बहुत दिनों के बाद मैं मंडी आ चुका हूँ। जब से मेरे को छुट्टियाँ पड़ी थी मैं घर चले गया था, फिर से मंडी आया, फिर 1-2 दिन बाद फिर से चला गया था मंडी, मतलब घर मंडी नहीं घर चले गया था। फिर कल रात को आया था मैं और आज मैं हूँ यहाँ पर दीदी है और इनको मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ और ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये जब से मैं आया हूँ तब से कॉल में ही है, अभी भी पता नहीं किसको कॉल आया हुआ। 2 मिनट और हमें ताई का फोन आया था। गाइस अभी हम करेंगे सफाई। मेरी अपनी मम्मी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज जल्दी से जल्दी घर आ जाइए, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैं दुखी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे रोज रोटी खानी पड़ती है और जब मेरी मम्मी होती थी रोज आज को दाल चावल बनाते थे और ये सरसों की वजह से अब रोज रोटी खानी पड़ती है। प्लीज मम्मी तू बना अपनी दाल चावल, ये तो झूठ क्या बोल रहे थे। एक बार एक गल सुन तो पर यार और यार तू दाल चावल मैं धोने दाए हो कि दे क्या बनती खिचड़ी क्या चावल थे बन गए काल तो बात नहीं खाया। मम्मी की तरह पूरा खाना नहीं बनता है जब मम्मी होती है यहाँ पे दाल बनती है अच्छी। आज आज ने मटर मशरूम थे काला महंगे फिर भी मम्मी की याद आ रही है मुझे बाद दाल खाना होता है फ्रेश रोटी नहीं खाती मम्मी को भगवान जल्दी से भगवान ही जल्दी से जल्दी आ रहा है जाए घर से
केचप लगे थी सो है सब गुजाए थी इतनी बेइज्जत करवाए गई तू। अब जो रोटी बना रही रोज अब सहन जा रोटी बना के भी आ गई रोटी बना के अच्छा जो मैं नहीं मैंने ना भी बे क्या चाप जो चाल पाई ना तू रोज चाल तक बोल रहे हो तू क्या पागली मां भी खाने मटर गई थी गाइस मटर खा लो गाइस ये हमारे घर का वो शख्स है जो जिसका मुंह कभी नहीं रुकता है अब रुक नहीं रहा बेटा है ना कुंडला चाल पर था ना भाई जब तू से बिडिया ले ए वाले चकोतरा खा लिया हमने डर आयो गाइस बिल्कुल टेस्टी नहीं है मटर मेरी फिटनेस का राज ही है पीनट बटर है ना सु दे ला ले यूज करा पता क्या करना इन खा रहा हूँ उसकी पीयूष खा रोज अच्छा तो है मुंह खरी और आए टाइम नहीं परे बाहर तो खाई लुक जा 5 किलो बाहर इस दोरी है बर्तन और मैं धोऊंगी इंसान लोगों को लगता हो रहा है इतनी कपड़ों में जाती आती है मंडी भी इतनी कपड़ों में जाती है और सोती भी है सुबह उठ कर सोती थी सोती बार कर लेती मैं चेंज सोती बार मैं वीडियो बनाऊंगी मेरे को लगता है अच्छा कपड़े चेंज करना पेश की भी है ना भाई ठंड है इधर बहुत ज्यादा क्योंकि अब मैं धो रही हूँ साग इसको बॉइल करने के लिए बोले बाल्टी भरी अंदर बाल्टी भर चुकी है ओ ना तो सुधा स्वाद है मठा जाने कर रहा इस चुनिया पढ़ने रहा काम इस लाइस लैपटॉप देख क्यों से पढ़ नहीं यार पढ़ जा रहा मैं क्या ना पढ़ स्कैम दस जी है बाथरूम बोले मैं पीयूष को देखती चली गई पैक कर क्या बैक कर ए पूरा पैक नहीं करना इसलिए कर जरा कर हाँ कर और बैक कर ब्रो कुछ सही कितने ना हम भी ना जस्ट कुछ नहीं थे और क्या खोल रहा था दिखे नहीं करता कुछ तेरा ये तो नहीं सकता पढ़ नहीं रहा लेकर तो खोल नहीं रहा गाइस अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं सो के लिए मेरे कपड़े चेंज कर और साग भी काट लिया और मैं उसको बॉयल करने के लिए रखूंगी इसने बर्तन धो लिए सफाई हो गई है सारी अच्छा अच्छा गाइस बहुत ज्यादा मोटी होगी मैं देख लो आप इतिहास और मठा पड़ेगा आज टॉप करना है सारे स्कूल और मैं आपको बताती हूँ वाओ बहुत टाइम के बाद याद आई मेरी है ये मैं बताती हूँ आपको बैक कैमरे से ऐसे बता देती हूँ ये देखो मेरी चूड़ियाँ ऐसी अच्छी लग रही है पापा के दोस्त आए थे हैदराबाद से उन्होंने लाई थी हम सब के लिए सब की रखी है उधर गाइस इतनी सुंदर है इसको ना कम से कम 6 से 7 साल हो गया ना इसको 6-7 साल हो गए इनको लाए हुए इतने सब के लिए लेके आए थे ये मेरा है मल्लू भाई लिखा है इसमें मम्मी की है अंशी की है ईशु की पता नहीं कहाँ है मेरे को नहीं है पता अंशी की बिल्कुल नहीं है अभी उसने तो डाली नहीं है कभी गाइस देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ बुरा हाल हो गया मेरा कपड़े डालने धोने के लिए तभी घर भी करूंगा नलका ठीक है नहीं करना अपने स्वेटर खोल कर लगाई दे यूज
ठीक बोले तो नहीं दिमाग है इसलिए ठीक है। मैं क्या करूं, अंदर में जान सकती हूँ, बाहर अंधेरा हो गया है। वैसे हम सोने के लिए चले गए थे ना, और फिर से लगी भूख। अभी मैं बना रही है पोहा, पीयूष बना रहा है यहाँ पे एग, और मैंने भी अपने लिए एक एग बनाया है, और ये पोहा मसाला यस, और ये सुबह के लिए हमने रख दिया साग। अब बोलो क्या है ये। ओके गाइस, अभी हम चकोतरा खाने लगे। चकोतरा दिल रहा है। और इधर हमारा बन गया है पोहा। गुड नाइट गाइस, अभी हम लगे सोने। अम्मा सो गई है उधर। अम्मा तो करना फिर बस स्कैम ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट। देख ले लोगों ने से जाओ जिंदा ही भाई।